आवाम को जोहार सलाम नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं मल्लिका और आज लाइव इंडियन गार्ड की टीम मौजूद है राजकमल सरस्वती विद्या मंदिर में, जहां फॉर्मर स्टूडेंट स्कूल के आज एक साथ सम्मिलित हुए हैं। एक सम्मेलन है, रीयूनियन है, लेकिन आप देख सकते हैं चेहरे पर वो एक्साइटमेंट बहुत दिनों के बाद झलक रहा है और शायद ये इसी कारण हो पा रहा है कि अपने पुराने दोस्त यार भी स्कूल में मिल रहे हैं। मैं जानना चाहूँगी इस बैच से खास करके कि क्या क्या वो अपने समय में शरारते करते थे और स्कूल को कितना मिस कर रहे हैं। सर पहले तो बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? विकास कुमार खेमका। किस बैच के थे आप? 2000 बैच कॉमर्स। तो सब लोग आप लोग 2000? हाँ जी, हाँ जी 2000। कैसा लग रहा है स्कूल में आकर? बहुत अच्छा लग रहा है। उम्मीद थी कि और भी दोस्त, पुराने दोस्तों से मुलाकात होगी, लेकिन नहीं मिल पाए। और वैसे ही बहुत सारे पुराने टीचर जिनका हमारा करियर बनाने में बहुत बड़ा योगदान रहा, जैसे कि राजेश सर, निर्मल सर, फूल सिंह सर, सबको बहुत मिस कर रहे हैं। उम्मीद थी कि आएंगे वो लोग भी, लेकिन शायद उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। तो उनका आशीर्वाद हम पे है, आगे बढ़ रहे हैं। आज फीलिंग कैसी है? इमोशनल फीलिंग है या बहुत एक्साइटमेंट है कि दोस्त लोग वापस से उसी क्लासरूम में जाएंगे जहां बचपन बीता है? और क्लासरूम में जाके ही आ रहे हैं और बहुत अच्छा लगा सारे दोस्तों से मिलके, और भी सीनियर जूनियर जो भी हैं, और स्कूल का वातावरण में आके एक बार फिर से एक बार पुरानी यादें ताज़ा हो गई, जो कि इंसान को दोबारा अपने लाइफ में नहीं मिल सकती। सर एक चीज़ बताइएगा, कई गार्जियंस के मन में अभी भी रहता है कि अगर राजकमल में कोई बच्चा जा रहा है तो यहाँ हिंदी मीडियम में पढ़ाई होती है और बहुत ज़्यादा संस्कृति और ये सब चीज़ों की बातें होती है, क्या आपको भी लगता ही है? नहीं, चूंकि हम इंडिया में हैं तो हिंदी से हमें बिल्कुल भी परहेज नहीं होना चाहिए। मेरे खुद भी बड़े भाई के बच्चे बच्चियाँ सब यहीं से पास करके गए हैं और अभी काफ़ी बहुत अच्छा कर रहे हैं आगे। यश खेमका, मुस्कान खेमका, राधिका खेमका सब यहीं के स्टूडेंट हैं और अभी बहुत अच्छा कर रहे हैं। एक CA फाइनल वगैरह में हैं सभी। तो ये बात में कोई तथ्य नहीं है कि यहाँ से पढ़ के आप आगे कुछ कर नहीं पाएंगे, या इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज, वो कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे ख्याल से। सर एक बात बताइएगा, जो पुराने टीचर जिनसे आज मिल पा रहे, उनमें कुछ बदलाव आया है क्या? उन्होंने अभी टेक्नोलॉजी को अडेप्ट किया है या कुछ चेंजेस देख रहे हैं? इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि टीचर से बहुत ज़्यादा पर्सनली अभी इंटरेक्शन नहीं हुआ है जी। तो वो उसके बाद ही कुछ बता पाऊंगा, लेकिन वैसे बदलाव कुछ नज़र नहीं आ रहा। राजकमल में न कभी बदलाव होगा, इनका जो संस्कार परिवेश जैसा था वैसा ही रहना चाहिए और रहेगा। इस मीटअप का ये आज होने वाला, इसकी जानकारी कैसे मिली थी? एक व्हाट्सएप ग्रुप का ग्रुप क्रिएट किया गया, उसी के माध्यम से मिली, जो कि हमारे जो मित्र हैं मनीष शर्मा जी एडुकेशन लाइन में हैं और एक कुणाल हैं वो भी एडुकेशन लाइन में हैं, तो सारी चीज़ें की जानकारी इनसे प्राप्त होती रहती है। धन्यवाद सर। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम दीपक कुमार मित्तल है। कैसा लग रहा है स्कूल में आकर? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनसे बहुत सालों से मुलाकात नहीं हुई थी, उनसे ही मुलाकात हो पा रही है। बहुत से लोग जो बाहर रह रहे थे वो भी कुछ कुछ आए हुए हैं। एक हमारे मित्र मिले अभी, हमारे क्या नाम था अभी हमका? शक्ति जी, वो नीदरलैंड से आए हुए यहाँ पे, और उनसे आज मुलाकात हो पाई। तो दोस्तों में कुछ बदलाव आया है या स्कूल वाले जिस तरीके के उस समय मूड में थे या सब में गंभीरता आ गई? एकदम गंभीरता तो देखिए समय का जो होता है उससे गंभीरता आती है, लेकिन जो हमारे अंदर का जो मन है वो अभी भी चंचल ही है। मजा आ रहा है, बिल्कुल मजा आ रहा है। सर एक चीज़ बताइएगा, क्योंकि अभी भी जो है विद्या मंदिर को लेकर एक टाइपकास्ट किया जाता है कि ऐसा ही है, यहाँ पे आधे घंटे का प्रेयर होता है, डायरी लिखना पड़ता है, क्लास वर्क होमवर्क की कॉपी होती है, बहुत सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, आप कितना पसंद करते हैं इसे? बहुत पसंद करते हैं, ये हमारे जीवन और भारत का एक समझ ली गौरव है जी, जिसे हमें ना तो कभी छोड़ना चाहिए ना कभी भूलना चाहिए। ये हमारे देश की संस्कृति है, इसे हम नहीं छोड़ सकते हैं, और ये राजकमल स्कूल का आधार है जी। संस्कृति यहाँ पे जो भोजन मंत्र, जो प्रार्थना होती है, वो मुझे लगता है कि शायद ही धनबाद के किसी स्कूल में जो यहाँ पे संस्कृति और विद्या के बारे में जो ज्ञान पढ़ाया जाता है वो किसी स्कूल में नहीं पढ़ाया। धन्यवाद सर। सर आप बहुत गंभीर लग रहे हैं आज, पुराने दिन याद आ रहे हैं क्या जब डांट लगता था ऐसा कुछ? नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। सच बताऊं तो विगत 25 वर्षों पहले जी, जब पहली बार इस विद्यालय में कदम रखा था जी, तब की बातें, सारे दोस्त आंखों के सामने इस तरह चल रहे हैं जैसा लग रहा है कि वो कल की ही बात थी जी। 25 वर्षों पहले जब मैं एक छोटे से विद्यालय से 11वीं और 12वीं की पढ़ाई करने के लिए यहाँ आया था जी, तब मेरे मन में यह विश्वास था कि यह एक स्थान है जो मुझे आगे की ओर पथ, विकास के पथ पर मुझे अग्रसित करेगा जी। लेकिन कुछ कुछ मन में शंकाएँ भी रहती थी कि बड़े विद्यालय में जा रहा हूँ, वहाँ के रीति रिवाज को, पढ़ाई के संदेश को किस प्रकार मैं
प्राप्त कर सकूंगा। तब मुझे जिस 25 वर्ष पहले मैंने जो प्रथम दिन बिताया था जी। उस समय मेरे मित्र जो बाद में मेरे मित्र भी बने मनीष शर्मा जो आज हमारे साथ भी हैं मनीष सर, उनके साथ मुझे याद है कि 25 वर्ष पहले 11वीं की जब हमारा बैच का 1997-98 में शुरू हुआ था तो उनके साथ मैंने पहला दिन उनके साथ उनके बेंच पर बैठा था और आज तक उनके साथ हूँ। और स्कूल का जो परिवेश रहा है सदैव ही एक सुहाना परिवेश रहा, सभी बच्चों ने काफ़ी अच्छी अच्छी पढ़ाइयाँ करी। आज कुछ हमारे साथ पढ़े हुए बाद में और भी जो आए कुछ प्रशासनिक सेवा में हैं, कुछ व्यावसायिक क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं, कुछ पढ़ाई के क्षेत्र में, और बच्चों को किस तरह से आगे प्रोत्साहित किया जाए उस में अपना योगदान देने लग रहे हैं। सर आप आइएगा, मनीष सर पहले तो सब लोग आपका नाम ले रहे हैं, बैच में बहुत पॉपुलर थे पता नहीं अब हो गए होंगे, पहले तो नहीं थे पॉपुलर, ये विवेक भैया थे। अच्छा। इनको दो बार हम मार खिलवाए थे किनसे मार खिलवाए थे? टीचर से। टीचर से नाम लेना, नाम बताइए, नाम लेना। मनोज सर से। मनोज सर से। हाँ मनोज सर। मनोज सर मारते भी हैं बच्चों को? नहीं उस दिन मारे थे इसको एक्चुअली, ज्यादा मानते थे इसीलिए इसका बात सुन के। हाँ बस वही बात हो गई। बैच में जब उस समय पढ़ाई होती थी कितने स्टूडेंट लगभग थे? हमारा 66 रोल नंबर था, 67 बच्चे थे। तो रोल नंबर भी पूरा याद है? बिल्कुल। क्या एम था इस स्कूल से निकलकर आगे क्या करना था? ये तो उस समय सोचे ही नहीं थे जी, लेकिन बस पढ़ रहे थे। सर आज बताइएगा राजकमल में कुछ भी परिवर्तन देखते हैं या आज भी वही पुराना स्कूल है? परिवर्तन तो देखिए होना ही चाहिए, लेकिन अच्छे चीज़ों के लिए परिवर्तन हो रहा है जी। जो अच्छाइयाँ थी वो है, जो कुछ गड़बड़ थी उसको सुधारा जा रहा है, तकनीक में संशोधन हो रहा है, बदलाव हो रहे हैं। तो कैसे स्टूडेंट थे आप, मेरिटोरियस स्टूडेंट थे जी, बताइए सर बताइए। माध्यम जो हिंदी और इंग्लिश का जो माध्यम है ये एक गड़बड़ है राजकमल के साथ। तो क्या करना यहाँ के, यहाँ के जो बच्चे हैं उनकी अंग्रेजी माध्यम जो है वो मतलब यहाँ से जब होने के बाद जो, हाँ तो वो इंग्लिश में थोड़ा बाहर में जाकर के उनकी इंग्लिश जो है वो उतनी अच्छी नहीं रह पाती जो है। हाँ उनकी स्पीकिंग जो है बोलने की कला है ये इस चीज में राजकमल, मतलब यहाँ के बच्चों में ग्रामर अच्छा रहता है लेकिन स्पीकिंग पावर थोड़ा कम पावर जो है। मतलब अगर हिंदी में अगर उन्हें कुछ भी भाषण देना हो हिंदी के अच्छे वक्ता बन जाएंगे, हिंदी के अच्छे वक्ता बन जाएंगे। ऐसा है मैडम कि यहाँ के जो आए हुए बच्चे हैं उनका हिंदी बहुत बढ़िया है जी, ठीक है ना, लेकिन बाहर में जैसे यहाँ पर अभी जो जो स्कूल है डिनोबली वगैरह उनको हिंदी आती नहीं है जी, उनको हिंदी का व्याकरण का कोई ज्ञान नहीं, लेटर लिखने दे तो नहीं लिख पाते, उनको हिंदी व्याकरण का कोई ज्ञान नहीं है। और यहाँ के जो हैं उनको इंग्लिश का ज्ञान जो है लेकिन उनकी स्पीकिंग पावर जो है वो झिझकते हैं। तो मतलब इसमें आपको लगता है कि टीचर्स को भी यहाँ इम्प्रूवमेंट की नहीं, नहीं इसमें बिल्कुल बिल्कुल है, यहाँ के टीचर्स को भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है कि आगे जब बच्चे यहाँ से निकले तो उनको सारा कुछ मिले। सर लोगों का एक सवाल होता है कि मान लीजिए यहाँ पर इंग्लिश में इस तरीके से व्यवस्था हो जाए, लोग स्पीकिंग में प्रैक्टिस में इसे लाएंगे तो क्या ऐसा होगा कि विद्या मंदिर अपने एसेंस को खो जाएगा, जो इसका हिंदी चल रहा है ये हिंदी संस्कार संस्कृति? आप संस्कार दीजिए, ये इंग्लिश को भी मजबूत करिए, इंग्लिश क्योंकि आप बाहर जब जाते हैं। अब तो सरकार चाहती है कि 3 लैंग्वेज फॉर्मूला अपनाया जाए तो हिंदी इंग्लिश और एक रीजनल लैंग्वेज तक बोला जाता है, हमारे यहाँ तो रीजनल लैंग्वेज में हिंदी है, हम लोगों को तो दो ही भाषा सीखनी है हिंदी और इंग्लिश, तो दोनों को समानता रूप से हम लोग सीख सकते हैं, इसमें कोई समस्या तो है नहीं। सर एक चीज़ जैसे अभी आप लोग कहीं ना कहीं अच्छी जगह पर काम कर रहे हैं, इंग्लिश का कॉर्पोरेट में काफ़ी डिमांड होता है, इंटरव्यू का प्रोसेस सब कुछ वहाँ पर लोग नॉर्मल है वो व्यवस्था, यहाँ के बच्चे जो पीछे रह जाते हैं अपनी ओर से कुछ बताइए टिप्स कि कैसे हम लोग इंग्लिश के प्रति ज़्यादा अच्छा कर पाएं। इसमें पहला बात है कि अभी आप जो बोल रहे हैं कि यहाँ के बच्चे पीछे रह जाते हैं ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर अभी हम लोग अभी अंदर में फोटोग्राफीज कर रहे थे ऐसे एक भी बच्चे मुझे नहीं दिखे कि जितने भी बड़ी कंपनीज है मल्टीमीडिया, मतलब आपके ऑल इंडिया वर्ल्ड वाइड भी अगर हम लोग बात करें, कोई US में है, कोई अभी IBM में है, कोई UPSC क्रैक कर रखे हैं, तो ये जो आप लोग जो बोल रहे हैं ना कि एक लग रहा है कि इंग्लिश का, ठीक है इंग्लिश का जो है ना हर बच्चों में अपने में कैपेबिलिटी डेवलपमेंट का ज़रूरत है, लेकिन वो उसमें स्कूल जो अपना एसेंस है वो हिंदी में भी पढ़ाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश मीडियम के बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारे यहाँ के बच्चे भी, हम लोग भी इंग्लिश मीडियम स्कूल से यहाँ पर आए थे और यहाँ पर हम लोगों ने एक्चुअली हिंदी सीखी, हमारे साथ उल्टा हम लोगों ने इंग्लिश मीडियम से 10th किया था और यहाँ भी 12th हम लोग इंग्लिश मीडियम से किए थे, बट हम लोगों को हिंदी का यहाँ पर जो ज्ञान मिला उसमें हम लोगों को भी फ़ायदा हो रहा है। हर इंसान के पास ये कैपेबिलिटी है इस स्कूल के बच्चों लोगों को कि इंग्लिश में भी अपने आप को वो
क्या नाम है कोई इम्प्रूव कर सकें, हिंदी में भी इम्प्रूव कर सकें। और संस्कृति डेवलपमेंट, हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं नहीं रहते हैं, वो तो है ही, लोग बाहर भी रह रहे हैं, लेकिन संस्कृति डेवलपमेंट तो भाई आप कहीं भी रहिए अपनी संस्कृति को तो जानना ही चाहिए। सर एक चीज़, जैसे आज करके गार्जियंस की मनोदशा एक हो जाती है कि अगर वो यहाँ के डिनोबली डीपीएस कार्मल में डालते हैं तो वहाँ कहीं ना कहीं फार बेटर जो इंग्लिश का एटमोसफियर है वो मिल पाएगा, ये जो भ्रम है आज आप लोग कैसे दूर करना चाहते दूर कर सकते हैं इसको? वहाँ सिर्फ आपको इंग्लिश का एक स्पीकिंग पावर मिलता है वो अलग है, लेकिन संस्कार और तहजीब जो यहाँ मिलेगी वो हिंदुस्तान के कोई कोनों में राजकुमार राजकमल को, हम भी इंग्लिश मीडियम से आए थे ठीक है, हमने हिंदी 11-12 या हिंदी मीडियम से किया, लेकिन आज हमारी इंग्लिश स्पीकिंग में कोई कमी नहीं है। भारतीय संस्कृति और मीडियम आज जो अनुशासन यहाँ पर है वो कहीं नहीं है। आप यहाँ पर पूरे धनबाद में और भी जो स्कूल हैं वहाँ पे यहाँ का अनुशासन नहीं मिलेगा। यहाँ से सभ्यता है, जो संस्कृति और सभ्यता की जानकारी है वो राजकमल में प्रॉपर दी जाती है और उसकी प्रॉपर जानकारी स्कूल के थ्रू होनी चाहिए कि किसी भी समाज में व्यक्ति को अगर अपना डेवलपमेंट करना है तो किस हिसाब से करना है, किस संस्कृति को फॉलो करना है और किस हिसाब से अपने आप को रखना है वो राजकमल में बताया जाता है। राजकमल में थोड़ी सी कमी एक ही है, वो इंग्लिश की है कि इंग्लिश में वो अपना प्रेजेंटेशन नहीं कर पाते हैं। बच्चे को इंग्लिश आती है, इंग्लिश ग्रामर उनका स्ट्रांग है, बेसिक उनका स्ट्रांग है, बट क्या है कि वो कहीं स्पीकिंग पावर में कहीं अगर उनको 10 लोगों या 50 लोगों के बीच में बोलने दिया जाए तो इन्फ्लुएंसी ऑफ कंटिन्यूसली इन्फ्लुएंसी जो है उनका वो कमज़ोर है और इसमें सुधार लाने की आवश्यकता है बस, और इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। राजकमल स्कूल, हमारा स्कूल से जितने भी लोग पढ़े हैं वो आज के समय में कोई भी ऐसा आपको स्टूडेंट नहीं मिलेगा कि किसी भी दूर में है जो मतलब कोई ना कोई कार्य में नहीं लगे हुए हैं, सभी लोग किसी न किसी कार्य क्षेत्र में हैं और अपने आप को सुचारू रूप से अपनी जिंदगी को यापन जिंदगी यापन कर रहे हैं। तो 10 में से कितने मार्क्स मिलेंगे राजकमल? 100 out of 10। इंग्लिश के बारे में जो हम लोग बार बार कर रहे हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं कि ये इम्प्रूवमेंट की जगह है, लेकिन अभी आप जब बता रहे थे कहीं ना कहीं आपने पीछे से सुना होगा कि लोगों में कि बाकी हम सुनते हैं कंपैरिजन टू अदर स्कूल्स, मैं अदर स्कूल्स का किसी का नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि मेरे भी बच्चे भी दूसरे स्कूल में पढ़ रहे हैं, पर ऐसा जो है जर्नलिज्म में है तो लोग जो है अपने अपने ओपिनियन को शेयर करते हैं और आप लोगों से बेटर कोई नहीं बता सकता। इसमें यह भी तो सकता होगा जो दूसरे, क्योंकि हमारे बच्चे अगर राजकमल में नहीं पढ़ रहे हैं तो हम लोग राजकमल में एडमिशन नहीं कराए तो उसको अवॉइड करने के लिए हम बोल रहे हैं कि वहां पर ये कमी है। राजकमल के जो सबसे अच्छी बेनिफिट्स है कि हम लोग जो आज संस्कृति सीख जा रहे हैं, आज अगर हम लोग अपनी बात करें, आज हम लोग जो 10th जो आए हैं सब अलग अलग स्कूल्स हैं, यहाँ पर जो संस्कृति और जो बॉन्डिंग हम लोगों को सिखाया गया ये आज तक है हम लोगों में, ये दूसरे स्कूल्स में नहीं है, तो लोग बहुत ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म हो जाते हैं, सब लोग अलग अलग जा रहे हैं, सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आज हम लोग एक दूसरे से सब जुड़े हुए हैं। हम अमर जी जो है झरिया में रहते थे, मैं जानता नहीं था, विकास जी थे ये भी झरिया में रहते, भी धनबाद चले गए, मैं जानता नहीं था, लेकिन आज हम लोग के जो 25 साल हो गए हम लोग एक दूसरे को जान रहे और हर सुख दुख में अपने साथ हैं, तो ये कहाँ सीखेंगे हम लोग? राजकमल में सीखेंगे, बाकी जगह नहीं सीखेंगे। हमने देखा था 2000 में जब फूल सिंह सर प्रिंसिपल थे तो बहुत सारे स्कूल से लोग यहाँ पे 11th में एडमिशन लिए थे, डिनोबली से, डीपीएस से, और वो भी कितने परसेंट के, 40%, 50%, 60%। और फूल सिंह सर ने पहले ही दिन बोला था ये जितने स्टूडेंट 30%, 40%, 50% के हमारे स्कूल में आए ये सब फर्स्ट डिवीजन से पास करेंगे, प्लस 80 में रहेंगे, और वैसा ही हुआ। तो ये काबिलियत राजकमल में ही है। सर ये सब पुरानी बातों को अगर आप दर्शकों तक साझा करेंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा कि स्कूल में सदन जो बटा रहता था, गोदावरी गंगा, ये सब कुछ कुछ पुरानी चीजें बताइए कि क्या क्या था, टिफिन की क्या व्यवस्था होती थी ताकि दर्शक भी उसे याद कर पाए। टिफिन में पहले तो भोजन मंत्र एक बोला जाता था ठीक है, जो हम शायद उस टाइम हमें लगता था यार बस ये क्यों बोला जा रहा है, लेकिन आज उसको बहुत मिस करते हैं। तो भोजन मंत्र का एक क्लास था वहाँ पे और 15-20 मिनट की हमारी टिफ़िन होती थी, बाहर कोई कैंटीन वगैरह यहाँ पे नहीं है बाकी स्कूलों जैसा, अपना टिफ़िन जो लाते थे मिल बांट के दोस्तों से खाते थे। भोजन मंत्र सुनाइए ना। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सवीर्यम करवावहे तेजस्वी ना वदितमस्तु माँ विद्विषावहे। पूरा याद है? और प्रेयर जो होता था कुछ भी याद है? प्रेयर शायद मैं नहीं बोल पाऊंगा, मुझे याद नहीं है, शायद विवेक को याद नहीं। सर आप लोग भी आ जाइएगा स्कूल में। सर जो सदन व्यवस्था थी कि बच्चे जो हैं गंगा सदन में कुछ लोग जाते थे कार्यक्रम में, और कुछ पुरानी यादें अगर आप बताएंगे कि किस तरीके से टिफिन कार्ड इतना प्यारे स्कूल से। मैं हमेशा इसे अपने साथ रखता हूँ, हमेशा रखते हैं पर्स में मेरा एनी टाइम रहता है। ऐसा क्यों है सर? ये तो बस ये स्कूल का प्रेम है,
जो मेरे साथ रहता है। सर सच में ये बहुत इमोशनल बात है, अब तक क्यों रखे हुए हैं सर? क्योंकि अब तो बच्चे जब क्लास खत्म होता है आईडी कार्ड वगैरह सब कुछ। हम अभी भी बच्चे हैं ना, बच्चे मेरे हो गए बड़े मगर मैं भी बच्चा हूँ। सर ये किस साल का है? 1998। उस समय ऐसा था आईडी कार्ड। और क्या क्या सर यादें हैं उस समय, क्या व्यवस्था रहती थी? व्यवस्था स्कूल की बढ़िया थी, हमारे यहाँ गोविंदपुर के पास साधन नहीं थे जी, तो मैं सरायढेला से बस पकड़ के आता था। मैं पहले गोविंदपुर से ऑटो से फिर सरायढेला आता था, सरायढेला से बस पकड़ के फिर यहाँ आता था, फिर अपने साधन से मैं आता तो था। उस समय में प्रार्थना इसी तरीके से होती थी, भैया बहन जो जो अनुशासन था। हम तो हमारे यहाँ थी नहीं, क्योंकि हम लोग भैया ही लोग थे, कोविड नहीं था। तो ये जो संस्कार, ये जो तहजीब मिली है स्कूल से, कैसे देखते उसे? क्योंकि आज कई स्कूलों में ये मिसिंग है। नहीं बहुत अच्छा ये मिला हुआ अपने को, उसी की जो है हम लोग अपने संस्कार नहीं भूले हैं, अपनी संस्कृति को नहीं भूले हैं, और अपने धर्म के प्रति हम लोग का लगाव बहुत है जी। आप देखते होंगे गोविंदपुर में बहुत सारे धार्मिक अनुष्ठान होते रहते हैं जी। सर ये जो मंच पर अभी फोटो सेशन हो रहा था उस समय भी आपने इस आई कार्ड को दिखलाया था, अभी मुझे ध्यान आ गया है। कैसा अनुभव लगता है जब अपने बैच के सारे बच्चे एक साथ फोटो फ्रेम में शामिल होते हैं? बहुत अच्छा है, ये फोटो लेंगे तब और अपने घर में दिखाएंगे बच्चों को, तो वो भी देख के बोलेंगे कि बहुत खुश। तो आपके बच्चों का अभी स्कूलिंग जो है यही से हुआ या बाहर आपने? यहाँ से नहीं है, अपने बेटी कारमल में है और बेटा दिल्लीपल्ली में था, वो बाहर पढ़ रहा है। तो बेटी के साथ डिस्कशन होता है कि कारमल का डिफरेंट माहौल है और यहाँ का बहुत अलग रहता है। उसकी जो क्लास टीचर है वो यहाँ पढ़ा, अभी हमारे साथ आई हुई यहाँ पे बैच में। चलिए थैंक यू सर, आप देख रहे हैं सर, आप आइएगा। और आप भी सर, आपका क्या नाम हुआ? अनूप अग्रवाल। सर आपका नाम? राकेश तुलसिया। कैसा लग रहा है आज स्कूल में? मतलब पुरानी याद तरोताजा हो गई। तो भावुक क्षण है, बहुत याद, बहुत बहुत बहुत। यदि मैं नहीं आता तो शायद आज इसे मिस करता। सर क्लासरूम जाना हुआ क्या? हाँ क्लासरूम गए क्या अभी? घूमा नहीं, अभी नहीं गया हूँ, नहीं गया हूँ, किंतु देख के जरूर आऊंगा। स्कूल में सबसे ज्यादा क्या चीज है जो अभी भी घर में रहते हैं तो याद आता है? हमारी संस्कृति, हमारी संस्कृति की पहचान ये स्कूल की देन है। आज जो हम बड़ों से शिष्टाचार में बात करना, पेरेंट्स का कैसे कद्र करना है, ये हमने इस स्कूल से सीखा है। अदरवाइज आज के दूसरे बहुत बड़े बड़े इंग्लिश मीडियम स्कूल है, उसमें ये चीज़ सिखाने को नहीं मिलेगी जो हमको यहाँ पर सीखने और सिखाने को मिली है, जो कि हम अपने बच्चों को सिखा पाएंगे। सर लोग कहते हैं कि राजकमल से जितने भी पास आउट बच्चे होते हैं वो बहुत अच्छे वक्ता हो जाते हैं, उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि वो अपनी बातों को अच्छे से रख पाते हैं, क्या आप इसमें सहमत हैं? यस, बहुत सहमत हूँ, ये हमारे स्कूल के हमारे टीचरों की देन है कि वैसा हम लोग को सिखाया गया है, तभी हम वक्ता हुए, हम अपने आप नहीं हुए, ये सारा स्कूल से हम लोगों को मिला है। धन्यवाद सर। सर स्कूल में क्या बदलाव देख रहे हैं? बहुत सारी चेंजेज है, पहले फील्ड में सिर्फ फील्ड ही था, अब क्या फील्ड में भी वो रूम क्लासरूम सब बन गए। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये स्कूल का ये है कि डिसिप्लिन जी। हमें नहीं लगता कि आज का डेट में ही पूरा धनबाद जिला में कोई स्कूल में इस टाइप की डिसिप्लिन होगी। बेल बजने के बाद एक भी बच्चे हल्ला नहीं होता, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट। मैं बीच बीच में आते रहता हूँ स्कूल में, कुछ ना कुछ काम उनके हिसाब से, तो जो माहौल हम लोग के समय 1997 से 2020 तक था वो माहौल आज भी हमें लग रहा है, ये बहुत गर्व की बात है। टीचर्स का खौफ रहता था? टीचर्स का खौफ उस टाइम का नहीं था कि टीचर मारेंगे पीटेंगे, लेकिन एक अपने आप में हम लोग को लगता था कि नहीं। तो कोई पसंदीदा टीचर्स थे क्या, कोई याद आते हैं, या सर मैम कोई बहुत अच्छे से पढ़ाते थे? निरंजन सर इंग्लिश टीचर जी, राजेश सर इकोनॉमिक्स, निर्मल सर जो हम लोग के रहते रहते मतलब अदर स्कूल डीपीएस बोकारो ट्रांसफ़र हो गया, उनको लेके हम लोग को बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई थी कि वो जो जैसे जो हम लोग को क्वेश्चन नहीं आ रहा उनका में ये काबिलियत है कि इस टाइप से समझाते थे कि नहीं जानने वाला को भी समझ में आ जाती थी कि इस टाइप से हल किया जा सकता है। यहाँ के टीचर्स का बच्चों पर पूरा ध्यान रहता है, पूरा फोकस रहता है, पूरा पूरा फोकस रहता है। और आज भी गर्व से हम अपने बच्चों लोग को बोलते हैं क्या तुम लोग पढ़ते हो इंग्लिश मीडियम में, जो जो डिसिप्लिन राजकमल में तुम लोग के स्कूल में नहीं है। यहाँ भी बेल बजा हम आए स्कूल में लेने के लिए तो हर क्लास से हो हल्ला की आवाज़ आ रही, और जाके राजकमल में कभी ले चलेंगे तुम लोग को दिखलाएंगे कि बेल बजने के बाद हल्ला होती है कि नहीं होती। राजकमल में क्या लगता है कुछ बदलाव की ज़रूरत है या फिर सारी व्यवस्था अच्छी है? समय के हिसाब से राजकमल को भी फुल इंग्लिश मीडियम हो जाना चाहिए, इंग्लिश मीडियम होना चाहिए। मतलब अगर आज इंग्लिश मीडियम हो जाए तो हम अपने बच्चे क्यों फिर हम इंग्लिश मीडियम भेजें? समय के अनुसार गार्जियन जो है पीछे हट जाते हैं। चलिए आप देख रहे हैं
वैसे ये रीयूनियन है, दोबारा जितने भी पूर्ववर्ती छात्र छात्राएं हैं स्कूल पहुंचे हैं और इस मिलन में ये अपने पुराने दौर को याद करें। कई बैच इतने पुराने हैं कि आपको भी लगता होगा कि क्या सच में स्कूल इतना पुराना है। हो सकता है आप फ्रेश बैच के हो, लेकिन ज़रूर बताइएगा इन छात्रों को देख कर के आज इतने बड़े हो गए हैं और सभी वेल सेटल हैं। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहे लाइव इंडियन गार्ड के साथ। शॉर्ट समय का होता है ये एक शॉर्ट समय के नोटिस पे इतनी भीड़ हो गई है। अगर ये बढ़िया से इसका प्रचार होता पूर्ववर्ती छात्रों का तो मेरे हिसाब से आपका हॉल में पांव रखने की जगह नहीं मिलती। तो आपको लगता है स्कूल को अब प्रसार प्रसार की बहुत ज़्यादा जरूरत है? आने वाला समय में हमको तो लग रहा है कि ग्राउंड पे टेंट बना के ही प्रोग्राम करना पड़ेगा। सभी आ जाएंगे? हाँ आ जाएंगे, पूरी उम्मीद है। अभी मेरे हम लोग तीन लड़के हैं जी। मैं अभी सुबह 10 बजे पुरुलिया से निकला जी। एक फ्रेंड रांची से आया। बस इतने दूर से आप लोग बस प्रोग्राम अटेंड करें? प्रोग्राम के लिए आए हैं। हाँ इतना जुड़ाव है इस स्कूल से। ठीक है निकल रहा हूँ। धन्यवाद सर। आप देख रहे हैं चेहरे पर भाव है, कई लोगों की आंखें भी नम है, लेकिन बचपन गुजरा है साथ ही यहीं से उनके भविष्य की जो आगे की सीढ़ी है वो उसे चढ़ पाए हैं। अन्य खबरों के लिए जुड़ सकते हैं लाइव इंडियन गार्ड के साथ।